The world is changing and quality healthcare is very important and should be accessed easily. For that, we have now mulkehealth.com, an entire e-hospital now at your fingertips. Go and visit. Hey friends, marhaba, I am your Samira Aziz and your Samira Aziz is here again with you. For you in your own show, Smile with Samira Aziz. Friends, you should be ready to plant your smile always. With lots of positiveness, support, smile and peace. Friends, आज हमारे साथ कौन है? आज हमारे साथ हैं गजल सिंगर जनाब जुल्फिकार खान साबरी. बहुत अच्छी अच्छी गजलें सुना कर वो समा बांधने वाले हैं, तो देर किस बात की, इंतजार बिल्कुल नहीं करना है. चलिए, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. फाइनली आप नजर आ गए. थैंक यू. आवाज आ रही है मेरी क्लियर? बिल्कुल क्लियर आ रही है, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है. कैसे हैं आप? वालेकुम सत श्री अकाल, नमस्कार और हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. मैं अभी तमाम व्यूअर्स से यही कह रही थी, किस किस ने मुझे हैप्पी बर्थडे की विशेस नहीं की, अब कर दें. नहीं, बी लेटेड हैप्पी बर्थडे, लेकिन हम हैप्पी बर्थडे का गाना भी गाएंगे बीच में. जी अच्छा. मैंने सुना तो यही है कि मुझे कोई सरप्राइज मिलने वाला है आज. वैसे गजलें जो है ना, इतनी नाजुक सी सिंफ है और फिर उसको गाना. जी. तो बचपन से तो इतना इंसान शऊर नहीं होता, बचपन में इंसान सिंगर होता है फिर गजल सिंगर होता है, मेरा ख्याल है. आपके क्या हालात थे, क्या आप बचपन से गजलें गाने लगे थे या फिर? नहीं, मैं शुरुआत तो मेरी सूफियाना से हुई थी, लेकिन हमारे घर में सिर्फ और मेहदी हसन साहब को सुना जाता था और पंडित रविशंकर जी को सुना जाता था. इसके अलावा कोई भी गाना बैन था घर में, आप नहीं सुन सकते थे कोई भी. तो प्यार तो शुरू से रहा, सबसे पहले रविशंकर जी का सितार बजता था घर में, और फिर मेहदी हसन साहब की जो गजलें आती थी रेडियो पाकिस्तान से, सिलोन से, वो सुनी जाती थी रात को घर में. अच्छा सही. और ये कब की बात कर रहे हैं, किस सन की, किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये 1975 की बात कर रहा हूँ. अच्छा अच्छा सही. तो मतलब बचपन से आपको माहौल ही इस तरह का मिला, अदबी और गजलों वगैरह का? जी, बड़े भाईजान हमारे बड़े गजल के शौकीन, मतलब मेरे 6 भाई माशाल्लाह और एक बहन है, सब शौकीन है सिर्फ सुनने के. गाना तो हमारे उसमें आया, हम लोग पठान है बेसिक, और पूरी फैमिली जो लॉयर फैमिली मेरी, और लेकिन सुनने का शौक सबको रहा है, पूरा जबरदस्त सुनने का शौक रहा है. मुशायरे, गजलें, और हुजूर गरीनवास की दरबार के पास ही मकान था हमारा, तो हर जुमेरात को जाके वहाँ कवालियों सुनते थे हम, तो वहां से शौक परवान चढ़ाई सुनने का और सुनाने का. फिर बाद में तो फैमिली में तो बल्कि आप क्या, कोई भी अगर जैसे लोग बैठते हैं ना छुट्टी के दिन मिल बैठ के, जब सारे भाई बहन मिलते हैं, तो आपसे तो सब गजल सुनते होंगे फिर? हाँ, जब बैठते हैं तो फिर बड़े मजे आते हैं, सब कुछ ना कुछ गाते रहते बैठ के. अच्छा. लेकिन एक जो प्रोफेशनली जो गा रहे हैं वो सिर्फ आप हैं? हाँ, मुझे भी पायलट बनना था लेकिन मैं बन गया सिंगर. मेरे पास साइंस थी और बीएससी करने का मूड था, लेकिन म्यूजिक का शौक इतना था कि वो 11th के बाद आगे कर नहीं पाया मैं. और फिर मैंने जो एमए किया वो पॉलिटिकल साइंस में किया बाद में, और लेकिन म्यूजिक को नंबर वन रखा. तो नंबर वन पे आप हमें फिर कौन सी गजल सुनाएंगे? नंबर वन ही गजल सुनाऊंगा. मेरे पता नहीं क्या जहन भाई कि जो आजकल लोग बड़ी शिद्दत से गजल सुन रहे हैं, वही रखूंगा मैं आज नंबर वन पे. फिल्म कौन सी थी बच्चे?
फिल्म का नाम तो मुझे याद नहीं है उसका, नहीं, लेकिन मैं गजल स्टार्ट करता हूँ फिर आपको सुनाना। फिल्म का नाम व्यूअर्स बताएंगे, ठीक है? ऑडियंस जो देखते हैं कि फिल्म का नाम कौन गैस करता है, ये हम इन और पर छोड़ दे सबसे सबसे इजाजत रहे चाहते हुए और हैं। कहीं गलती है तो उसके लिए माफी चाहेंगे। मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे कोई फरियाद मेरे दिल में दबी हो जैसे। परिया मेरे दिल में दबी हो जैसे, तूने आँखों से कोई बात कही हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जागते जागते एक उम्र कटी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे। एक लम्हे में सिमट आया है सदियों का सफर, एक लम्हे में सिमट आया सदियों का सफर, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, जिंदगी तेज बहुत तेज चली हो जैसे, जान बाकी है मगर सांस रुकी हो जैसे, कोई फरियाद मेरे दिल में दबी हो जैसे। इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, इस तरह पहरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, मेरी हर सांस तेरे नाम लिखी हो जैसे, तूने कोई
कही हो जैसे कोई फरियाद तेरे दिल में दबी हो, जैसे तूने आँखों से कोई बात कही हो, जैसे जागते जागते एक कटी हो, जैसे जान बाकी मगर सांस रुकी हो, जैसे जान बाकी मगर सांस रुकी हो, जैसे दबी हो, जैसे बहुत अच्छे। और आपने ना सिर्फ आपकी गजल का इंतखाब बल्कि आपकी आवाज वाकई कमाल है, बहुत अच्छे। शुक्रिया बहुत गजलों बहुत। का इंतखाब करने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ नहीं, जो दिल कहता है वो करते हैं बस, और क्या है। अच्छा, क्योंकि दिल हमेशा आपको सही राह दिखाता है, तो दिल जो कहता है वो करते हैं। दिल सही। कहता है गाओ तो गा लेते हैं। तो यकीनन आपकी निगाहों से बहुत सारी गजल रोजाना गुजरती होंगी, क्या सोर्स है, किस तरह से आप जी इन गजलों तक, किस तरह से आप अपनी मुंतखब गजलों तक पहुंचते हैं, या तलाश में रहते कोई अच्छी गजल मिले तो उसे गाने का दिल चाह रहा हाँ, वो आप जैसे लोग मिल जाते हैं कहीं ना कहीं लिखने वाले। तो है? जी क्या होता है कि मैं शायर को बहुत बड़ा मुकाम देता हूँ, कि मैंने कई बार सोचा है कि शायर वहां सोचता है जहां पर इंसान सोच नहीं पाता कहीं बिल्कुल भी। और ये खुदादाद एक तरह से दी हुई सौगात है जो हर किसी को नहीं मिलती। इंसान एक अल्फाज भी नहीं लिख सकता, लेकिन ये खुदादाद चीज होती है जो अल्लाह पाक की तरफ से दी जाती है। गाना भी इसी तरह है, शायरी भी इसी तरह है। अच्छा, जब आप गा रहे थे तो व्यूवर्स गेस कर रहे थे कि ये किस फिल्म की गजल है, तो जो सबसे पहले जिन्होंने गेस किया था उन्होंने ये कहा कि ये मूवी तुम बिना, तुम बिन की। तुम जी बिना। जी तो ये सिया के राम हैं जिन्होंने ये सबसे पहले बताया था, उसके बाद भी वो इसी यही जवाब आया, मगर क्योंकि सबसे पहले सिया ने बताया था तो वेल डन सिया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये भी एक शेर है, वेल डन सिया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। इनको इनको जब भी मेरी कॉन्सर्ट होगी आपकी रियाद में, इनको मेरी तरफ से एक पास दिया जाएगा फ्री बिल्कुल। हाँ, सिया मेरे ख्याल में कहाँ रहती होंगी, मेरे ख्याल में सिया आप बताइए आप कहाँ रहती है। अच्छा, इंटरनेट का यही कमाल है कि आप दुनिया भर से जो है लोग लॉग इन जी होके आपको सुन सकते हैं, देख सकते हैं, और फिर यस शो के और बाद जो है हम इसको एडिट वर्जन में हम यूट्यूब पे हम इसको अपलोड करते हैं, और फिर हम इसको सब जगह पर बूस्ट करते हैं, तो ब्यूटीफुल जहां जहां ब्यूटीफुल। उर्दू बोलने वाले बहुत हैं बहुत बड़ी सौगात उन। है इंटरनेट की कि हमें एक पूरी दुनिया को एक जगह पर लाकर रख दिया है, और इंसान इंसान से इस तरह बात कर सकता है जैसे सामने मौजूद हो। जी बिल्कुल ऐसे। आपका बतौर गजल सिंगर इंटरनेट ने क्या फायदा किया और आप किस बहुत तरह बहुत से फायदा फायदा उठा सकते हैं? है इंसान अगर हर चीज का बहुत एक जैसे कहते हैं ना बहुत अच्छा उसका फायदा होता है, लेकिन क्या होता है कि कई लोग उस चीज से फायदा उठाते हैं, कई उस चीज को है ना अपनी हैबिट में लाकर कुछ और ही कर बैठते हैं। तो मेरे को तो लगता है ऐसा कि शायद है ना हर चीज को पॉजिटिवली देखना चाहिए इंसान को, और उसको देखने के बाद में उसका पॉजिटिवली और उसका अच्छा यूज करना चाहिए, जहन को अच्छा रखना चाहिए हमेशा। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल। एक सिंगर के लिए, एक कलाकार के लिए पॉजिटिव होना क्यों इतना जरूरी है, क्या फायदा होता है जी एक कलाकार को, एक सिंगर को, जी एक गुलकार को पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है? नहीं, हर इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए जिंदगी में। नॉट ए सिंगर, नॉट ए गजल सिंगर, नॉट ए शायर, हर इंसान को जिंदगी में मैं पॉजिटिव होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं पुराने पाक में कि कभी भी जिंदगी को मायूस मत समझो आप, कभी भी कहीं भी आप ना उसको
आपने जहां मायूसी तो कुफ्र है, आप तो खुद जानती है कुरान पाक में लिखा अल्लाह पाक ने कि मायूसी तो कुफ्र है, मायूस तो कभी जिंदगी में नहीं होना चाहिए इंसान को। कौन सा लम्हा आपकी जिंदगी में आ जाए और कौन सा लम्हा आपको चेंज कर दे ये आपको खुद नहीं मालूम है। तो हर इंसान को पॉजिटिव होना चाहिए लाइफ में, बिल्कुल, और वो चाहे आर्टिस्ट को खास तौर पर, क्योंकि ये लोग नहीं। दुनिया का जहन आर्टिस्ट तस्थिर कर रहे हैं। तो होता है इसलिए ज्यादा पॉजिटिविटी होता है इंसान, क्योंकि आर्टिस्ट बनता ही जब है जब उसमें बहुत ज्यादा सॉफ्टनेस होती है और पॉजिटिविटी होता है। बिल्कुल आर्टिस्ट तो बनते ही जब है, आर्टिस्ट तो हर इंसान की किस्मत में बनना थोड़ी लिखा। आर्टिस्ट मैं थोड़ी चाहता था कि बिल्कुल बिल्कुल मैं गजल सिंगर बनूं, लेकिन कहाँ किस्मत ने कहाँ मोड़ लिया और कहाँ से कहाँ हो गया। मेरे तक किसी खानदान में कभी किसी ने गजल नहीं गाई कभी भी कहीं भी। हम लोग पठान वाह हैं, पठान हैं प्लस क्या के सब शौकीन रहे सुनने के, शिकार के, बस दो चीज खाली। सही पीछे से फैमिली, सही हमारी लॉयर फैमिली थी, जागीरदार थे, तो दिन भर शिकार खेलना, खाना पीना, बस इसके अलावा कुछ नहीं, और नमाज रोजा खाली। अच्छा, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आर्टिस्ट हो गए, एक्टर हो गए, सिंगर्स हो गए, अब इस तरह की जो तखरीबकारी पर फिल्में बनती हैं, जंगों के मौजूआत पर फिल्में बनती हैं, जाहिर है उनको कोई बना रहा होता है और कोई उनपे काम भी कर रहा होता है, एज एन एक्टर, एज अ सिंगर, जो शायरी होती जो की गई होती है, कोई उन्हें गा रहा होता है, तो ये सारा तख्लीक करना जो है ना, ये पॉजिटिविटी की अलामत नहीं है। तो इसलिए जो हम अंदर से होते हैं, जैसा हम सोचते हैं, हम वैसे ही तख्लीक करते हैं, चाहे वो अदब हो, चाहे वो हम एज अ सिंगर। अब मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल एज अ फिल्म मेकर, मैं वॉयलेंस नहीं लिख सकती, अगर आप मुझे बोलेंगे मैं इमेजिन ही नहीं कर सकती। अब मेरा अगर सीन है कि किसी ने किसी को चाकू मारा है, मारना है हीरो को, तो मैं ना उसको इमेजिन ही नहीं कर पाऊंगी, तो मैं वो सीन लिख भी नहीं पाऊंगी। उसके लिए सही बात मुझे जरूरत पड़ती है फाइट मास्टर की, कि वो मुझे बताए, कि मैं उस वक्त एक बता देती हूँ कि भाई ये वजह, मुझे ऐसा सीन चाहिए, ये करवाना है, तो किसको कैसे करेंगे। और इसी तरह जब मैं शायरी करती हूँ तो मैं नफरत अंगेज बात नहीं तख्लीक कर पाती, तो बस ये वजह है। तो एज अ सिंगर भी जो आपका डेफिनेटली जो इंतखाब है, जैसे कि आपने बताया कि आप पॉजिटिव इंसान है, तो डेफिनेटली आपका जो इंतखाब होगा, जिसको आप गा रहे होते हैं, तो वो भी डेफिनेटली पॉजिटिविटी की तरफ माइल होगा। ऐसे ही है नहीं, क्या? मैं बताऊं आपको कि इंसान को तो अल्लाह पाक ने सिर्फ मोहब्बत के लिए पैदा किया है। नफरत तो हम लोगों ने पैदा कर दी, यहाँ पे चाकू छुरी हमने इससे दिखाई है। इससे पहले तो कभी भी ऐसी पिक्चर्स कभी बनती भी नहीं थी। आपने शायद बहुत पुराने आपके सऊदी के अगर पीछे देख रहे हैं, पुराने पीछे देखे हैं, तो उसमें फाइट तो सिर्फ हाथ पैरों से होती थी, चाकू से, मशीन गन से, गोलियों से थोड़ी कभी होती थी। एक खाली हाथ की जी फाइट होती थी हल्की सी, और अदरवाइज तो सिर्फ मोहब्बत की बात होती थी पुरानी पिक्चर में आप देख लें। तो अल्लाह पाक ने सिर्फ मोहब्बत के लिए इंसान को पैदा करा है, और मोहब्बत के लिए ही मोहम्मद को पैदा किया, और मोहब्बत के लिए दुनिया बनाई गई खाली। पूरी दुनिया सही की जो तखलीक की गई सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए की गई, जिनसे अल्लाह पाक मोहब्बत करते हैं, वो भी मोहब्बत का नतीजा था जो जी ये तखलीक की गई दुनिया की पूरी। क्योंकि अल्लाह अच्छा, हमारे अल्लाह पास बिल्कुल अल्लाह अपने हबीब से मोहब्बत करते हैं, इसलिए इसलिए दुनिया बनाई गई। बिल्कुल सर। अच्छा, हमारे पास ना एक फरमाइश ये है, चांदनी जैसा रंग है तेरा, अगर जी ये आपके जखीरे में हो तो आप इसको भी गा सकते हैं, और अदरवाइज आपने जो नेक्स्ट जो और भी भी बता दो मेरे को जी थोड़ा सा, क्योंकि क्योंकि मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब जगजीत साहब को ही ज्यादा गाता हूँ मैं, और उन्हीं की गजलों में एक जिसे कहते हैं ना, बहुत मयार भी है उनका गजलों का। और शुरू से क्योंकि मेरे पास उर्दू सब्जेक्ट भी रहा बीए तक, तो जी होता क्या था कि गजलियात की तशरीह करना, उसको मीनिंगफुल लिखना, ये सारा तो क्या होता था कि वो लाजमी बात है कि वो शायरी पढ़ पढ़ के ना उसने उतना ही दिमाग पे बचपन से मेहदी साहब को सुना है, तो उनकी शायरी आपको मालूम है कि किस तरह से। वैसे बिल्कुल पंकज साहब बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा उन्होंने गाया भी, लेकिन मजबूरी है कि मेरे को जो गजलें याद हैं सारी बिल्कुल वो, और भी आप मुझे बिल्कुल। बता सकते हैं बाकी। और आप एक बताएं। फरमाइश है खू बखू, एक गजल की फरमाइश है क्या खू बात है, बखू। हाँ क्या बात है, खूबाखू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की, तो मैं चंद लाइनें उसकी पेश करना चाहूंगा। जी, बसाम जो है वो भी सिंगर है, और ये उनकी फरमाइश है।
उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, उसने जलती हुई पेशानी पे जब हाथ रखा, रूह तक आ गई, रूह तक आ गई, तासीर मसीहाई के। उसने खुशबू की तरह, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई के खूबखू फैल गई बात शनासाई के।
बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और ये भी बड़ी कमाल की बात है कि आपको तमाम अशआर भी बिल्कुल याद होते हैं हूबहू। अच्छी शायरी की एक ये मेरे साथ तो बहुत ज्यादा प्लस पॉइंट है कि अच्छी शायरी मैं लिखते लिखते याद कर लेता हूँ। मतलब अगर कोई मेरे को शायरी मिली और जहन में भी ऐसे आती है वो, जैसे कि अभी एक मैं एक बहुत अच्छा गिफ्ट देने वाला हूँ सभी को, तो उसकी उसकी मैं खासियत ये होती है अच्छी शायरी की और अच्छी धुन की कि वो मेरे साथ तो यही होता है कि मैं अक्सर सुनता हूँ, सुनते सुनते ये कंपोजिशन बनाते बनाते वो गजल जो है ना खून में मिक्स रहती है वो। आप ये आप मैं पिछले 20 साल से बिना देखे डायरी गाता हूँ। जबरदस्त, बड़ी ये बात मेरी है, फेवरेट बड़ी गजल है, बात ये परवीन शाकिर साहब की गजल है, मेरी फेवरेट गजल है और इसे मैं बड़ी बड़ी महफिलों में जब भी होता हूँ तो जरूर सुनाता हूँ। पीछे मैं गया था कुछ साल पहले लाहौर, मेरी बहन रहती है लाहौर में, तो पूरी रात एक ही गजल सुनी लोगों ने सीख, बस खूब खूब पहन गई, कहने बस ये सुनाते रहो सुबह एयरपोर्ट छोड़ जाएंगे आप। बस सुबह सुबह के 4 बज गए थे ये गजल सुनते सुनते, और मतलब बहुत ही बेहतरीन गजलों में से लाखों गजलें कुर्बान इसी गजल। सही। तो आप जो है ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर भी आप गजल प्रोग्राम जो है उनके परफॉर्म करते हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ सभी जगह अच्छे सुनने वाले हैं, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। बीच में आपके यहाँ रियाद भी आया था, रात को 9:30 बजे शो शुरू हुआ था मेरा आपके दुआ से, और सुबह जब अजान हो रही थी उससे मुश्किल से 10 मिनट पहले बंद हुआ वो शो, और करीब 700 पीपल एंड मेल फीमेल सब थे वहाँ पर। और कभी आप मिलेंगे तो आपको बताऊंगा मैं कि मेरा क्या आलम था गाने का और लोगों का सुनने का आलम क्या था। मतलब जी पूरा पिक्चर का सीन था जब वो आखिरी गजल चल रही थी, चिट्ठी ना कोई संदेश, तो हमें भी रोना आ रहा था और पब्लिक भी रो रही थी सारी। हाँ हाँ सही। तो हम मेरा तो मुझे उस प्रोग्राम में भी आना था, मगर मैं जद्दा में रहती हूँ तो मैं रियाद नहीं आ सकी। जी, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह पाक ने चाहा तो, और जरूर बिल्कुल। पूरी दुनिया अच्छा बहुत ही छोटी। ये जी बिल्कुल, जी ये जो प्रोग्राम है स्माइल विद समीरा अजीज, ये बीजेएम एंटरटेनमेंट इन मुंबई इंडिया से बिरेन बगाड़िया हैं जो आपको सलाम भी कह रहे हैं, और मयूर गुप्ता, और ये सारा प्री प्रोडक्शन वगैरह इस प्रोग्राम का तरतीब देते हैं और कोऑर्डिनेशन वगैरह करते हैं, मैनेज करते हैं, और पोस्ट प्रोडक्शन जी बहुत समीरा ही अजीज लवली इंसान है, एंटरटेनमेंट। मेरा भी आदाब उनको, मेरा भी बहुत बहुत शुक्रिया उनको कि उन्होंने मुझे बात किया और फिर आगे आपको इसको कनेक्ट किया पूरा करने के लिए। कंटिन्यू। जी, और एक करम फरमा है हमारे और आपके आफ्ताब निजामी साहब, जिनके तवसुत से जो हाँ है। क्या बात है, जी सही आफ्ताब निजामी जी साहब का तो इसलिए भी हम दिल से मोहब्बत इसलिए करते हैं, बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं कि हजरत निजामुद्दीन औलिया सरकार के आप खानदान से भी हैं, आप उनकी घर से हैं और हमारे दुआ गो भी हैं, हमारे मैं हमेशा दुआओं में याद रखते हैं। आफ्ताब भाई को अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब भाई, और दुआओं की दरख्वास्त है। तो बस, और जो हमारे पोस्ट प्रोडक्शन है सायद अब्दुल लतीफ जो सब एडिटिंग करते हैं, और उसके बाद फिर ये प्रोग्राम जो है वो सोशल मीडिया पर सब जगह पर ये भेज दिया जाता है, फिर इसकी नहीं बूस्टिंग मेरा मेरा होती है, तो सभी को एक बहुत बहुत लंबा प्रोसेस शुक्रिया, होता है। मेरा बहुत बहुत सभी को शुक्रिया, और सभी सुनने वालों को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ जुड़े हैं वो। और हमारी कोशिश ये होती है कि अल्लाह पाक ने जो भी हमें चीज़ अता की है हम लोगों तक उसको पहुँचाएं ईमानदारी से। बिल्कुल सही। अच्छा हमारे पास और अभी एक फरमाइश है। जी आप कहिए। सॉरी जी जी फरमाइए, आप कुछ कह रहे थे। जी, जी मैं बस अभी जो एक सरप्राइज देना था वो भी आगे फिर मैं देता हूँ, आप बात करें। अच्छा, बस मैं ये फरमाइश बताना चाह रही थी कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये भी फरमाइश है, हाँ और ये फरमाइश मैं किसकी है, जिसको हमारी मेरी फिल्म की हीरोइन है वो जिनकी ये फरमाइश है। सफा उनका नाम आपकी है। जी मेरी फिल्म की कौन है हीरोइन है सफा, सबा सफा नाम, सफा सफा, सफा ओके नाम है, सफा जी। तो जी, उन तो उनकी ये फरमाइश हम है गा कि तुम सकते इतना हैं जो जी जब भी आप मतलब आप अपनी अपनी तरतीब से चले,
और जो भी आप करते हैं बस ये के जहन में रखें कि ये भी एक है, अगर आपके आपको इसके लिरिक्स वगैरह इसका सब पता हो तो बस आवाम की चॉइस मैंने कहा आपको चलते चलते बता दूं। तो जी, मैं इस करता हूँ उनकी फरमाइश पूरी, फिर मैं जो आपका गिफ्ट हो मैं इस गजल के बाद देता जरूर जरूर जी। तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है किसको छुपा रहे हो, क्या गम है किसको छुपा रहे तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, आंखों में नमी हंसी लबों पर, आंखों में नमी हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है किसको छुपा रहे तुम इतना बन जाएंगे जहर पीते, बन जाएंगे जहर पीते, यश्क जो पीते जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे रेखाओं का खेल है मुकद्दर। गजल का बड़ा खूबसूरत शेर है, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। बहुत अच्छी, ये गजल सदाबहार गजल है और ये कभी पुरानी नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी गजल को बारे में एक बार सोच रहा था मैं कि शायर ने कितने खूबसूरत अंदाज में इसको लिखा है, कि मतलब आप इसको सोच भी नहीं सकता इंसान, लेकिन उसके अल्फाजों की अपनी एक तकमील है जो अल्लाह पाक की तरफ से अता होती है, वो हर किसी के बस की बात नहीं। तो बिल्कुल मैं सही आता बात हूँ अपनी है। एक, आपको मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट दिया जाएगा, हाँ और आफ्ताब निजामी साहब से भी कहेंगे कि अगर कुछ सुनना चाहें, भाभी को सुनना चाहें तो हमें बता सकते हैं, हम सभी की फरमाइश पूरी करेंगे। इकबाल साहब भी अगर मुझे देख रहे हैं तो प्लीज। जी, वो आपको सुन रहा है, मैं उनको देख रही हूँ ऑनलाइन। ओके ऐसा भैया आज ऑनलाइन आए। मैं सभी सुनने वाले सामीन से गुजारिश करूंगा कि जरा गौर से सुने प्लीज, क्या क्या कुछ जब कोई चीज नई आपके जहन के सामने आती है, नई सामने आती है,
तो थोड़ा सा गौर अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पसंद आएगी वो, और उसके शायर का नाम बाद में बताऊंगा आपको।
ऐसा लगता है कि वो दिन अभी दूर थोड़ा सा तरकीब क्या है मैंने अपने गाने के हिसाब से, क्योंकि मेरे मित्र में नहीं आ रहा था, उसके लिए माफी चाहूंगा। ऐसा लगता है कि वो दिन उसकी हो जाऊंगी, उसके हो जाऊंगी, वो भी मेरा कहलाए, उसके हो जाऊंगी, वो भी मेरा कहलाएगा। जिंदगी फिर तुझे जीने का मजा आएगा। प्यार खोया हुआ जिस दिन मुझे मिल जाएगा, की गजल थी जो अभी तक किसी ने नहीं गाई थी, उन्हीं की एक पिक्चर की गजल थी और जिसे मैं गा रहा हूं अभी और आगे ये पिक्चर में आएगी ये। और इसको लिखने वाली, अगर आपको मैं नाम बता दूं मेरे सभी सुनने वालों को, तो पहले तो आप सभी थोड़ा जोरदार ताली मुझे बजा के बता दें कि मैं ये गजल कितनी पसंद आई आपको। प्लीज मैं तालियां देखना चाहता हूँ आप सभी की। वाह जी वाह, हाँ जी बहुत अच्छा। और नहीं चाहिए तालियां तो, प्यार खोया हुआ जिस दिन मुझे मिल जाएगा, जिंदगी फिर तुझे जीने का मजा है। तो सभी सामाइन को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो गजल है, ये जो आपके सामने है, मौजूद हैं समीरा अजीज साहब, इनकी गजल है ये, और बड़ी खूबसूरत गजल लिखी है इन्होंने, और हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसको इंशाल्लाह और बेहतर करेंगे। वाह जी वाह, नहीं, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी गाई आपने, बहुत अच्छा लगा। और ये गजल मैंने और असल में बहुत अच्छा, एक स्टेज ड्रामा लिखा था, उसकी उसकी गजल थी ये। अच्छा क्या बात है, जी, वाह जी वाह, अच्छा तो बाद में ये मेरी किताब कागज की जमीन में थी। जी अब लफ्जों की कायनात आने इंशाल्लाह। वाली है। हाँ क्या बात, तो बिल्कुल जब भी इंशाल्लाह लॉकडाउन हटेगा तो आप उसको भेजाएंगे, या जो भी गजल उसमें से बेहतर होगी आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह फिर उसको जरूर, तैयार करते बहुत हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गाई, बहुत अच्छी कंपोजिशन, मजा आ गया। और हमारे बच्चों को बहुत अच्छी लगी, सारे बच्चों को, हमारे दोनों बच्चे और हमारी वाइफ जो है हमारी ऑडियंस है, हम सुनाते हैं पहले इनको कि कैसी धुन बनी है और कैसा आपने गाया है और कैसी शायरी है, तो जब ये गुनगुनाने लग जाते तो हम समझ जाते हैं कि हाँ ठीक है मामला जी। बिशारत हुसैन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने सलाम कहा है, सलाम अलैकुम कह रहे हैं। वो कह जी रहे थे कि शुक्रिया क्या बहुत मेरा शुक्रिया, सलाम पहुंचेगा कि नहीं। तो असल में हम लोग जब बात कर रहे होते हैं, गजल सुना रहे होते, तो जरूरी नहीं कि आपके मैसेजेस इतनी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे होते, तो कोई ना कोई मैसेज भूल चौक भी हो जाती है। तो आप लोग दोबारा भी वो मैसेज कर सकते हैं, ताकि अगर हमारी नजरों से ओझल हो गया तो दोबारा हम उसे पढ़ लें। तो ये है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका नाम जो है वो साबरी है, जो लास्ट आपका है, दिलप्रकाश खान साबरी। साबरी जो है वो जाहिर है बहुत एक बड़ा एक नहीं खानदान मेरा है, मेरा फिर नाम तो बेसिक जुल्फिकार खान अहमद खान नाम है, ये मेरे पीर जी मुर्शिद ने मुझे नाम दिया है, मेरा जो सिलसिला है वो साबरी सिलसिला है, वो तो मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे साबरी लिखने के लिए इजाज़त दी है कि आप साबरी अपने आगे लिखा करो, और साबरी पार्क हमारे यहाँ पर कलिया शरीफ है, वहाँ पर उनका आपका रोज़ा भी है, और बाबा फरीद की आप
चहेते भी हैं हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और बाबा फरीद के प्रिय हज़रत अली अहमद साबरी कलेरी, तो उनका रोज़ा वहाँ पर है। तो मेरे पीर मुर्शिद ने मुझे साबरी नाम दिया है जिसको मैं बहुत लगाता हूँ ये आगे। अच्छे। नहीं तो कुछ पहले मैं खान ही लगाता था अपने साथ में, अभी भी खान लगता लेकिन साबरी ज़रूर लगता साथ में। हाँ, सही। एक सिंगिंग वगैरह का भी है, तोशी साबरी है, शारिफ साबरी है, सिंगर्स हैं बॉलीवुड के, वो लोग म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर है, वो भी साबरी हाँ फैमिली से। जी, जी, साबरी फैमिली नहीं है, वो भी यही तखल्लुस लगाते हैं, हाँ मगर वो जी लगाते हैं साबरी, बहुत जी सारे लोग हैं साबरी बहुत लगाते हैं, लगाते हैं। लेकिन हमारी जी निस्बत सिर्फ जो है हमारे पीर मुर्शिद से, और हमारे पीर ने हमें नाम दिया तो उसपे से नाम ही लगाते अच्छा, यहाँ पर किसी ने फरमाइश ये लिखी है, मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसको गा सकते हो बाद में, या जो भी आपकी तरतीब है पहले उसको ध्यान में रखिए, वो गाइए। लेकिन होश वालों को खबर क्या फ्रॉम फिल्म सरफरोश, तो ये जी सैयद बिल्कुल। जी सैयद आसिम हुसैन साहब की फरमाइश है। जी बिल्कुल सुनाते हैं फिल्म सरफरोश की गजल ये देना बेटा जी। ये वक्त पे एक मुझे शहर याद आ गया, कफील आदर साहब जो हैं एक बहुत ही बड़े शायर हुए हैं जिनकी नज्म है वो बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी, आपने सुनी होगी। तो उन्हीं उन्हीं की गजल का एक शेर के, देख लो ख्वाब मगर ख्वाब का चर्चा ना करो, देख लो ख्वाब मगर ख्वाब का चर्चा ना करो, लोग जल जाएंगे सूरज की तमन्ना ना करो। और वक्त का क्या है किसी पल भी बदल सकता है, वक्त का क्या है किसी पल भी बदल सकता है, हो सके तुमसे तो तुम मुझ पर भरोसा ना करो। ये इंटरनेट बेख्याली में कहीं उंगलियां जल जाएंगी, बेख्याली में कहीं उंगलियां जल जाएंगी, राख गुजरे हुए लम्हों की कुरीदें ना करो, बहुत देख अच्छे। लो ख्वाब मगर ख्वाब का चर्चा ना करो, लोग जल जाएंगे सूरज की तमन्ना ना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत करो। अच्छे, तो क्या खूब। चलते हैं दोबारा से फिर वापस फिल्म सरफरोश की गजल के साथ।
खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आँखों ने बताया मैं कृषि क्या चीज है, झुकती आँखों ने बताया मैं कृषि क्या चीज है, इश्क की जे गिर समझिए, इश्क की जे गिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है। हम लोगों से कह ना पाए उनसे हाल दिल कभी दरा, हम लोगों से कह ना पाए उनसे हाल दिल कभी, और वो समझे आपने अपनी गजल गायकी का जो महवर है वो जगजीत सिंह को बनाया है जी, तो आप सिर्फ उन्हीं की गजलें गाते हैं या कोई और भी आप जो है उनकी गजलों को फॉलो करते हैं? नहीं, गजलों में तो शुरुआत मैंने जैसे बताया आपको खान साहब से शुरू किया मैंने अपना करियर, और फिर मौलानी साहब को भी गाते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जो मैं उसके बाद जब 20-22 साल हो गए मेरे को, उसके बाद फिर जगजीत साहब के हम शागिर्द रहे, उसके बाद में उन्हीं को गाया। सही। अच्छा, कोरोना का ये दौर है COVID-19, इसके मुताबिक बताएं, जाहिर है आप इस वक्त दिल्ली में हैं। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। एक तो ये थे कि हमें बहुत अच्छा लोगों से अपना बिहेविंग रखना चाहिए, सो कोरोना ने बहुत सारी रिश्तों को नज़दीक भी कर दिया और रिश्तों की अहमियत भी बता दी इस कोरोना ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस भी इंसान को हम अगर देखें तो लाजिम बात है, चाहे वो किसी भी रोजी से ताल्लुक रखते हैं, दर्जी हो, या हर हर आदमी का एक मुकाम है अपना अपना। लाइक आप हेयर ड्रेसर को देख लें आप, कि 3 महीने से लॉकडाउन में हेयर ड्रेसर बंद थे तो लोग कहते रहे यार नाई है कोई बात नहीं, बहुत मतलब देखना, लेकिन नाई का कितना हमारी जिंदगी में अहम रोल रहा है कि 3 महीने जब लोगों को नाई नहीं मिला तो लोग ना बाहर निकलने के बाद पहचाने नहीं गए कि कौन है ये। इसी हाँ, और नाई तो तरह सेलिब्रिटी बन गया भाई, वांटेड। वो नाई सेलिब्रिटी बन गया, नाई का लोग ऐसे इस्तेमाल करने लगा जैसे कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, भाई आके प्लीज काट देना भाई हमारे को, जरा कर देना, मेरे को तो कल मेरी बिटिया काटती मेरे बाल उसने मुझे बचा दिया, नहीं तो शायद मेरे ना बाल भी बड़े अजीब गरीब हैं, हर किसी से कटते भी नहीं, फिर भी मुझे अपनी स्टाइल आती है। लेकिन हर इंसान की एक अहमियत है, जिस तरह हमारे देश देखें आपके, चाहे वो हिंदुस्तान हो, सऊदी अरब हो, पाकिस्तान हो, या पूरी दुनिया, मैंने देखा कि अमेरिका में लोग है ना मॉल्स के बाहर कई किलोमीटर तक लाइन लगी हुई थी, क्या हुआ कि हमने अपने छोटे दुकानदारों को खत्म कर दिया। छोटे दुकानदारों को खत्म करने से क्या हुआ कि मॉल के तरफ से लगा लोग कि यार कुछ है ना अच्छा 1,500 रुपये सस्ता मिल जाएगा हमारे को, जो हमारे छोटे दुकानदार थे ना हमने उनको खत्म कर दिया, उनसे सब कुछ लेना बंद कर दिया, कहने महंगा बेचते हैं। लेकिन आप यकीन माने इस बात के लिए कि अगर आप ये छोटे दुकानदार नहीं होते हमारे पूरे एशिया में, तो शायद
लाखों मौतें सिर्फ भूख से होती, आप ये मान के हाँ चले 100% कि इन छोटे दुकानदारों ने हमें भूखे मरने से बचा लिया। अदरवाइज हमारे पास भी दो तीन मोहल्ले जहां हम रहते हैं तो बंद पड़ा 3 महीने से, वो एक दाना भी बाहर नहीं निकला वहां से। अगर उन वो शायद छोटे दुकानदार नहीं होते तो शायद कुछ नहीं मिलता। कहाँ से लाते आप, कहाँ से बड़ी लाते आप? हकीकी बात की आपने। किसान को आप कहाँ से लाते? किसान का हम जितना शुक्रिया अदा करें, दुनिया में हर चीज दोबारा बन सकती है, लेकिन अगर किसान नहीं होगा तो शायद जिंदगी नहीं होगी दुनिया में। बिल्कुल सही बात है। तो हमें हर 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 इंसान का, हर इंसान की वैल्यू समझनी चाहिए, और वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी भी कारोबार से ताल्लुक रखता हो, लेकिन छोटा से छोटा इंसान जो है हमारी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। कोरोना ने हमें ये सिखाया, शायद लोगों के समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आता तो उनको समझना चाहिए चीज के लिए कि हर इंसान की जिंदगी में कहीं ना कहीं बहुत ही जबरदस्त वैल्यू है जिसको हम किसी भी कीमत पे चुका नहीं सकते। बिल्कुल अच्छा, ये जो छोटे दुकानदार थे इंडिया भर में, जब ये बड़े इलाकों में पहुंचते थे अपना सब्जी वगैरह का लेके सब चीजें, तो ये बड़े दूर दूर से आते थे और अपनी सेहत को खतरे में डाल कर ये सफर हाँ, बहुत करके। बड़ी, बहुत बड़ी बात है कि अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के, पैसा तो साइड सेकंड थिंग है, लेकिन अपनी जिंदगी को खतरे में डाल के उन्होंने जिस तरह से हमारी खिदमत की है, खिदमात की है, वो उसको नहीं भुला सके। शायद मैं तो नहीं भुला सकता, मैं सही। जिंदगी में नहीं जाऊंगा मॉल में आपका कभी सामान लेने के लिए। पहले जरूर हमें भी शायद हो सकता कि लालच होता होगा कि शायद यार ये दो चीज पे सस्ता मिल जाएगी, ये हो जाएगा, लेकिन जब से ये माहौल देगा शायद अब आप नहीं हो पाएगा पैसों के लिए। हमारे छोटे दुकानदार ठीक है, देखो, सही। और रोजगार का हिस्सा अगर हम इस तरह से सभी को नेगलेक्ट कर देंगे तो हमारे जो छोटे शॉपकीपर हैं जो मार्केट में दुकानें लेके बैठे हैं वो तो फिर खत्म हो जाएंगे, उनके बच्चे उनके अहबाब कहाँ जाएंगे बताइएगा आप मेरे को। सही बात है जी, बिल्कुल। और अपने लोगों को पहले उनका बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिले, ये जो बड़े बड़े मॉल्स नहीं हैं नहीं करना इन्होंने। करना चाहिए, करना चाहिए, अपने 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 इदारे को, अपने लोगों को सपोर्ट करना चाहिए लोगों को। ठीक है हमसे शायद 2 पैसे ज्यादा ले लेते होंगे, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं अल्लाह पाक उसको उसका अजर देगा, कहीं ना कहीं बेहतर है, कहीं ना कहीं बिल्कुल। लेकिन क्या है कि इंसान नहीं सोचता है, इंसान लालच से भरपूर है, लेकिन ये लालच खत्म करना चाहिए इंसान को, और हर इंसान को है ना एक इज्जत देनी चाहिए, हर इंसान को एक मुकाम देना चाहिए ताकि वो जिंदगी में हमें याद रख सके। अच्छा, यहाँ पर इन छोटे दुकानदारों को बकाला बोलते हैं सऊदी अरबिया में, और जी जो जी छोटे चीजें इन्होंने गाड़ियों में सब्जियां वगैरह लेके वो लोग खड़े हुए होते हैं, तो वो लोग तो सस्ता बेचते हैं मॉल्स के मुकाबले में, यहाँ पर उल्टा है। हाँ, बकाले मैंने मतलब देखा ना, बकाले कहते हैं आपके ग्रोसरी को, जो कहते हैं। हाँ, वैसे तो मैं चाहूंगा कि कुछ थोड़ा सा अरबी बोल के बताएं, जैसे वेलकम ही कर रहे हैं आप अरबी में, आपको तो माशाल्लाह मरहबा बहुत अच्छी मरहबा, अरबी कैफ आती है। हालिक, इश अखबारिक, उम्र सनान तो क्या तैयब, अहलन बात वसहलन। है, क्या बात है, वाह क्या बात है। अरबी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है और बड़ी खूबसूरत लैंग्वेज है अरबी, और जिस तरह उर्दू का फरोग हुआ है, अरबी भी माशाल्लाह अपने एक जमाने से, पिछले 1400 सालों से दुनिया में है, और बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। और जिस तरह से आप उर्दू के लिए काम कर रही हैं सऊदी अरब में बैठकर, ये तो बहुत बड़ी बात है ये, कि एक ऐसी जगह काम करना जहाँ लोगों की लैंग्वेज कई सौ सालों से अरबी है, उनके बीच में बैठकर काम करना तो वाकई एक काबिले तारीफ है, और इसकी आपको लोगों की तरफ से बहुत बड़ी, जिसे कहना चाहिए कि लोगों का आपको सपोर्ट मिलना चाहिए इस चीज के लिए। जी बिल्कुल। गल्फ उर्दू काउंसिल की अम्ब्रेला के अंडर में अब हम यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम शुरू करेंगे, और बकायदा पूरे मिडिल ईस्ट से हम जो उर्दू है नहीं, उसको हम फरोग हम देंगे। भी जी चाहते हैं कि है ना उर्दू को फरोग के लिए, या उर्दू के लिए जिस तरह से मैंने पिछली कॉन्सर्ट में रियाद में अपना मैंने लोगों का के हुजूम देखा सुनने के लिए, कई लोग तो बड़े दूर दूर से, एक साहब आए थे दमाम से सुनने के लिए, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाईजान दमाम कितनी दूर है यहाँ से? बोले 400 किलोमीटर। मैंने कहा 400 किलोमीटर आप दमाम? बोले सिर्फ आपको सुनने के लिए दमाम से आया हूँ यहाँ। बड़ी बात है। अरे मैंने कहा यार भाईजान मतलब आपका जो जितना शुक्रिया का अदा किया जाता ना कम है, तो लोग ऐसे नहीं है, लोगों को अगर आप वाकई बड़ी अच्छी कोई चीज दे सकते हैं, तो मैं तो कोशिश ही करता हूँ कि जब भी मैं अपनी कॉन्सर्ट करूँ तो बड़ी ईमानदारी से उसको मैं अंजाम दूँ उस कॉन्सर्ट को,
और लोग उससे लुत्फ़अंदोज़ हो, सबसे बड़ी बात ये। तो अगली गजल जो है वो आप मैं अगली गजल एक नज़्म ओके सुना है, वैसा जी नज़्म, और मुझे बहुत पसंद है, लोगों को बहुत लाइक करते हैं, बट थोड़ा सा कैमरा इधर कर। तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे हुए खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खुशबू जिनको दुनिया के निगाहों से जो बच कर साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर लिखे, तेरे खुशबू में बसे खत जिनको दुनिया के निगाहों से छुपाए रखा, जिनको एक उम्र जैसे लगाए रखा, दीन जिनको जिने ईमान बनाए तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खुशबू तूने दुनिया के निगाहों से जो बच कर लिखे, साल हा साल मेरे नाम बराबर लिखे, कभी दिन में तो कभी रात को उठ कर तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता कैसे, प्यार में डूबे
मेरे खत मैं जलाता कैसे, तेरे हाथों के लिखे खत मैं जलाता कैसे, तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया तेरे खत आज मैं गंगा में बहाया हूँ, आग बहते हुए पानी में लगा आया हूँ, तेरे खुशबू में बसे खत मैं जलाता बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत पुरअसर कलाम था, बहुत अच्छा। इनके शायर का नाम अगर आप बता सके। हाँ, इनके शायर हैं मिसर रहबर करके, रहबर करके हैं उनका तखल्लुस, रहबर है और अंजुम रहबर नाम उनका, तो अंजुम उनकी रहबर जी, मशहूर नाम है। उनकी नज़्म ही है, जी, पंजाब और से आई ताल्लुक थिंक रखते ये हैं। यहाँ आ चुके हैं मेरे ख्याल में, ये जद्दा में काफी साल पहले, नहीं नहीं आया, मेरा पर अंजुम नहीं अलग आए। है, वो अंजुम रहबर अलग है, ये अंजुम दास रहबर है कुछ ऐसे, पूरा नाम मुझे ध्यान भी नहीं था, लेकिन रहबर तखल्लुस है इनका और पंजाब से ताल्लुक रखते हैं जी। तो कुल्लू तक जगह पे है जी। वो शायरा है अंजुम रहबर, जिनको आपने हाँ सुना हाँ होगा जी जी, जी वो हाँ शायरा हैं, यूपी से ताल्लुक रखती हैं अंजुम रहबर, बहुत अच्छी शायरा है हिंदुस्तानी की, उनका नाम भी अंजुम है। राजेंद्र, हाँ सॉरी, नहीं, राजेंद्र नाथ रहबर नाम इनका, सॉरी नाम तो ठीक है राजेंद्र नाथ आपके रहबर, थोड़ा जी, सही। कंफ्यूज हो गया मैं, राजेंद्र नाथ रहबर नाम इनका। और ये मैं भी शायद पटियाला से इनका ताल्लुक है, पंजाब पटियाला से। मुझे लगता है कि शायरों को अगर कोई खराज तहसीन देता है तो वो आप लोग देते हैं। आज जब आप उनकी गजलें गाते हैं तो उससे बड़ा हदिया और उससे बड़ा तोहफा और कुछ नहीं होता। नहीं देखें, दोनों का रिश्ता बड़ा मकबूल रिश्ता है और दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही एक खास मुकाम रखते हैं। जितना अच्छा शायर लिखता है उतनी अच्छा उसको कहीं ना कहीं, आप मिर्ज़ा गालिब को देख लें, मैं आज की गजल जो सुनाऊंगा आपको मिर्ज़ा गालिब को सुनाऊंगा, तो मिर्ज़ा गालिब आज से कई सौ साल, 400-500 साल हो गए उनको दुनिया से गए हुए, लेकिन हर दौर में उनकी गजलों को उरूज मिला है। और आज तो आलम ये है कि हमारे हिंदुस्तान में कि गैर मुस्लिमों ने स्पेशली उर्दू के टीचर रखे हैं मिर्ज़ा गालिब को समझने के लिए। मेरे कई दोस्त जी हैं हाँ, गुजरात में सही, जो कि गैर मुस्लिम हैं, जिनको उर्दू नहीं आती, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने उर्दू के टीचर रखे सिर्फ इसलिए कि मिर्ज़ा गालिब को समझना है कि गालिब ने बिल्कुल क्या सही कहा है। जी हाँ, तो ऐसा कि शायर, तो जब मैंने आपको अर्ज किया ना कि जो महबूब शायर हैं अल्लाह पाक ने जिनको अता किया है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है, हर इंसान को नहीं नसीब है। जी शायर अगर अच्छा लिखेगा तो लाजिम बात है लोग सुनते हैं उसको, क्यों नहीं सुनते। और अगर एक अच्छी बिल्कुल आवाज़ मिल जाती है उसको, तो फिर मिर्ज़ा गालिब को आप देखें कि लोग सालों से सुनते आ रहे हैं, किसी ना किसी पिक्चर में, किसी ना कहीं ना कहीं ना कहीं किसी भी जरिए। जगजीत साहब ने तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा एल्बम पूरा एक शूट किया था, जिसे वीडियो कहते हैं, सीरियल ही था कम्प्लीटली, और इतना मकबूल हुआ कि वो आज करीब करीब जो गजल सुनने वाले हैं सभी को उनकी गजलें शायद याद होंगी। सही, वेरी ट्रू। मिर्ज़ा गालिब को तो मेरे ख्याल में तमाम शोरा को पढ़ना चाहिए। मैंने खुद जब मैं बचपन से शायरी करती थी, लेकिन जब मैंने शायरी को उसके मफहूम के साथ मिर्ज़ा गालिब साहब का दीवान खत्म किया, तो मुझे खुद से ही एक एक शायरी में एक तजुर्बा भी तो झलकता है, लेकिन उसके बाद आपको शायरी को सही तरीके से प्रेजेंट करना है, रमूज और वो सब कुछ आपको दीवान गालिब खत्म किए बगैर, पढ़े बगैर दुनिया दुनिया नहीं। दुनिया के बेहतरीन शायरों में से, बेहतरीन शायर दुनिया में से जिनका
नाम अगर लिया जाए तो वो शायद असदुल्ला खान मिर्ज़ा गालिब हैं, बिल्कुल सर, और बिल्कुल सर, रहती दुनिया तक लोग उनको याद करेंगे। और तसव्वुफ़ में भी इतनी अच्छी अच्छी गज़लें उन्होंने लिखी हैं, और अल्लाह से मोहब्बत और इंसान से मोहब्बत और तवक्कल भी आप उनका देखिए, कि अगर किसी शेर में आपने उनका तवक्कल देखा होगा तो मैं बताऊंगा आपको बाद में, कि उन्होंने कहा कि एक जगह के किसी साहब ने कहा, ये आपने बोतल रख रखी है अपने पास में तो खाने का क्या होगा? कहना खाने का तो वादा अल्लाह पाक ने करा, शराब को थोड़ी कराया। सही जी, बिल्कुल खाने का, बिल्कुल खाने का वादा तो अल्लाह पाक ने कुरान में किया कि खाना मैं दूंगा मेरे बंदे को, शराब का नहीं करा था इसलिए बोले शराब मंगा ली मैंने। इसी तरह से सुदर्शन सही फाके साहब रहे, जिनकी ये गजल थी नज़मी दौलत भी ले लो, बहुत सारी गजलें उन्होंने लिखी। गम बड़े आते हैं कातिल की निगाहों की तरह, तुम छुपा लो मुझे दोस्त गुनाहों की तरह, तो जी बहुत ही मकबूल शायर हुए हैं, बहुत सारी गजलें उन्होंने लिखी। दिग्गजी साहब ने बहुत सारी गजलें उनकी ली गई, तो वो कुछ वक्त पहले, कुछ सालों पहले शायद दुबई गए थे मुशायरे में, तो आलम ये था कि वहाँ के लोगों ने इतना उन पे धर्म निछावर किए कि लोगों ने उनके समेट के, जिस वक्त पढ़ रहे थे वो मुशायरे को, तो लोगों ने भर के थैले में रख दिए। और इतफाक से दूसरे दिन वहाँ के शायद कोई लोकल शायर भी थे अरबी, तो उन्होंने उनको अपने घर पे इनवाइट करा कि यार भाई वो हमारे घर पे कल मुशायरा है, इनको लेके आइएगा। तो उसने भी बड़ी इज्जत करी साहब, कहीं धर्म उनके लेटा लुटा दिए उन पे। और जो हुआ कि मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, उन्होंने बिल्कुल सच्चा वाक्य बताया इस चीज़ के लिए, कि इन लोगों को अपनी शायरी से प्यार होता है, किसी चीज़ से प्यार नहीं होता ज़्यादा, ना दौलत से ना कुछ। और उनके तो साहबजादे मेरे दोस्त हैं मानव फाके, उनका नाम था सुदर्शन फाके, उनकी हर साल बरसी वाह होती है, पिछले 10 साल हो गए उनको दुनिया से गए हुए। तो आगे देखें कि चार, वो बताते कि चार छोटे छोटे बैग भर गए थे धर्म से, तो कहने लगे यार एक काम करो यार बस, कहने लगे क्या, किसने कहा साहब आपकी अमानत ले आओ, कहने लगे क्या है ये, कहने लगे ये कल आपको जो लोगों ने सौगात दिए, लोगों ने इनाम से नवाजा, अरे कहने लगे इसका क्या करूंगा मैं, मेरे को तो एक काम करो आप है ना, चार बोतल के पैसे दे दो उसमें से, और बाकी कहने लगे वहीं छोड़ के चले गए साहब टोटली। कहने लगे बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, अपनी चार बोतल के मुझे पैसे दे दो। कहने लगे खाना अल्लाह पाक दे देता परवरदिगार मेरे को, तो कहने लगे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को, तो और सारा पैसा बोले वहीं छोड़ के चले गए जाओ। कहने लगे ऐसे उनके साहबजादे हैं, बड़े बहुत सीधे साधे इंसान बड़े। और पिछले 5 बरसी में तो मैं जा चुका हूँ उनकी, तो इस तरह के शायर होते हैं, बड़ा मिजाज जिसे कहना चाहिए कि बड़ा अलग मिजाज होता है उनका, उनका मतलब अल्लाह पाक से मेरे को लगता है शायद डायरेक्ट कनेक्शन है, जब भी आता किया जाता है ऐसा, नहीं तो ऐसे अल्फाज आदमी एक लाइन नहीं लिख सकता, आप पूरी गजल लिख देते हैं। सही सही बात है आप अगर सोचे पूरी रात बैठकर, जब भी लाइन नहीं लिख सकता एक लाइन इंसान, जी, मैं भी कई हाँ बार बिल्कुल सोचता हूँ कि मैं ऐसे ही। लिखूं, मेरे को भी नहीं लिखना आता, मैं गा जरूर सकता हूँ लेकिन लिख नहीं सकता, ये तो खुदा दान देन होती है, अल्लाह अल्लाह पाक देते हैं, हर किसी को नहीं होता। और इसी अगर कोई तरह शायर बन हम लोग जाता, लिख सकते हैं और गा नहीं सकते हाँ मैं मिर्ज़ा गालिब की जरूर गजल आपको मैं सुनाता हूँ, जरूर ठीक है, मैं किसी भी महफिल में अगर मिर्ज़ा गालिब की कलाम नहीं हो तो हाँ फिर शायद मुझे लगता है कि वो महफिल अधूरी होती है। दुरुस्त। जी बस हम आपकी ख्वाहिश पूरी हो रही है, मिर्ज़ा गालिब साहब की गजल। आह को चाहिए एक उम्र सरहद तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सरहद तक, जिनके असर होने थे बहुत अच्छे। हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर। कवर होने थे बहुत अच्छे। आशिकी सहर तलब और तमन्ना,
आशिकी सगुल। आशिकी सगर तलगो तमन्ना पेता, आशिकी सगर तलगो तमन्ना पेता, दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं, खूने जिगर होने तक आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक। हमने माना, हमने माना तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना तगाफुल न करोगे, लेकिन तगाफुल न करोगे, लेकिन हमने माना तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, आह हो जाएगी एक उम्र असर होने तक। आशिकी सगर तलबियों तमन्ना बेता, आशिकी सगर तलबियों तमन्ना बेता, दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं, खूने जिगर होने तक आह को चाहिए। गमे हस्ती हसद किस से हो जुज मर गिला, गमे हस्ती
किसी से हो जुज़ शम्मा है रंग में जलती है सहर होने तक शम्मा है रंग में जलती है सहर होने आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक कौन जीता तेरी जुल्फ के सर होने तक बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इतनी प्यारी ट्यून, और ये नई ट्यून है। कमाल कर दिया जल्दी साहब आपने, और बड़ी प्यारी और ये नई ट्यून आपने बनाई। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कंपोज जो है आप खुद करते हैं या फिर नहीं, साथ में? हाँ, कंपोज हम खुद ही करते हैं गजलों को, और लेकिन ये गजल की कंपोजिशन जो है ये जगजीत साहब की है, उन्हीं के मिर्जा गालिब सीधे लिखी, उन्हीं के सीधे अच्छा, लिखी। आपकी गजल की कंपोजिशन मैंने करी, और भी वो भी बहुत मतलब अच्छी थी। एल्बम आ चुके, उनकी कंपोजिशन भी मेरी है। जी बहुत अच्छा। आपके साहबजादों में से या आपकी फैमिली में से कोई है जिसने ये फन आपसे लिया है या सीखा है? सॉरी, गजल गाई आपके साहबजादों में से या आपकी नहीं, फैमिली में से किसी ने? सुनने के शौकीन है, गाते हैं अपने, मेरी बिटिया भी गाती है, मेरी बिटिया मैं एक तो बहुत ही अच्छा होस्ट करती है पूरा कंप्लीट, मेरा जितनी भी कॉन्सर्ट होती है बड़ी, तो अच्छा। जी फाइनल ईयर में है माशाल्लाह आपकी दुआ से, और इंग्लिश ऑनर्स भी कर रही है वो, तो हाँ स्पेशली मैंने उसको, हमारा एक बहुत अच्छा स्कूल है यहाँ पर, उसमें उर्दू अरेबिक थी, तो स्पेशली मैंने उसको कराया था कि इसी स्कूल में आप पढ़ो बेटा, इंग्लिश मीडियम तो था ही ऑलरेडी वो, लेकिन बड़ा प्यारा स्कूल था जिसमें अरेबिक और उर्दू दोनों पढ़ाई जाती थी, तो मेरे दोनों बच्चों ने हाँ वहीं से कराया, बेटा 10th में है, बिटिया मेरी उसमें है, क्या नाम है, ऐसा है फाइनल ईयर में, जो कम्प्लीटली अच्छा, मेरे मेरा शो भी होस्ट करती है, और कई बार सूफी और क्लासिकल शो आता है तो फिर होस्ट करती है। बीजेएम एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया जो है वो हमारी ब्रांच है इंडिया में, मुंबई में, जी समीरा अजीज एंटरटेनमेंट की। मैं चाहूंगी अगर आप बीजेएम एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े तो हम आपके मिडिल ईस्ट वगैरह में शोज वगैरह कंडक्ट करवा सकें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी और हमारे सुनने वाले जितने भी हैं, अभी तो क्या है कि अभी आने वाले जैसे बाहर के हमारे जितने सुनने वाले हैं, तो अभी मैंने ऑनलाइन कई लोगों के अपने गेट टुगेदर शो किए हैं, यहाँ से यूके भी शो किया है मैंने, इंडिया में 2-3 शो अभी कर चुका हूँ मैं ऑनलाइन, अभी 2-3 और लाइनअप है मेरे आगे शो, और एक साहब का पीछे भी मैंने एक शो किया था, तो उनका मुझे कॉल आया न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क से, तो वो कहते हैं मैं मेरा आगे घर में कुछ सेलिब्रेशन होने वाला, तो मुझे आप प्लीज मेरा एक ऑनलाइन शो करने के लिए, मैंने 55 इंच के टीवी पर आपको कनेक्ट कर दिया था बोस के स्पीकर के साथ में, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आप पूरा पूरा आप सामने मेरे मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग भी आगे कर सकते हैं इस तरह से कि कहीं अगर किसी के घर में सेलिब्रेशन है और हमें एंगेज करना चाहता तो आपको कॉल कर लें या आपकी कंपनी को बता दें, आपको बता दें तो ज्यादा बेहतर है, हम बिल्कुल, क्योंकि क्या है कि इस ऑनलाइन से एक फायदा जरूर हुआ हमारे को कि जी सपोज कोई हमें सऊदी अरब में चाहता कि जुल्फी भाई को मैं सुनूं, लेकिन क्या होता कि एक बहुत बड़े ट्रुप को ले जाना, वीजा निकालना, ना पीछे जब हम गए थे तो हमें मालूम है कि शायद उसके लिए हमें कितनी परेशानी उठानी पड़ी, कितना पैसा, एक बड़ी कॉन्सर्ट करना तो अलग बात है, वो तो आपको दिक्कत, लेकिन पर्टिकुलर एक इंसान अगर कोई चाहता हो कि मेरे 20-25 अजीज बैठे हों और मैं एक अच्छा गुलूकार को किसको सुनूं, तो एक कम बजट में, तो शायद वो उसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि इतने बड़े ट्रुप को बुलाना और 8-10 लाख रुपए खर्च करना, पॉसिबल तो नहीं हो, लेकिन जी इस हाँ, ऑनलाइन का एक ये फायदा हुआ कि आदमी को सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल गया कि आदमी है ना बहुत अच्छा
सुन सकता, किसी को बुला के लाके आप टीवी पे अगर लगा दे तो ऐसा लगता सामने हम बैठे हैं आपके। अभी भी आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सामने मेरे मौजूद हैं, और शायद हमारे बिल्कुल सुनने वाले व्यूवर्स को भी लग रहा होगा कि हम उनके सामने मौजूद हैं। तो बिल्कुल सही है, सही है, बिल्कुल लॉकडाउन ने शायद हमें एक नया नया कॉन्सेप्ट दिया है। हम लोग लॉकडाउन का तो हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए, और भी एक लॉकडाउन ने जो हमें सबसे बड़ी सौगात दी है दुनिया में, शायद बहुत कम लोगों ने सोचा हो इस चीज के लिए, शायद आपने भी हो सकता है शायद सोचा हो। आप बताएं अगर नहीं तो फिर मैं बताता हूँ आपको। मुझे तो लॉकडाउन ने इंटरनेट से प्यार करना सिखा दिया पॉजिटिविटी नहीं, लेकिन जो सबसे बड़ी कुदरत ने जो हमें वाईफाई सौगात, से, प्यार करना सिखा दिया नहीं साहब, जो कुदरत ने सौगात दिया हमें सबसे बड़ी, कि हमारे पूरे दुनिया का जो पॉल्यूशन था वो हाँ करीब करीब आप ही देखें कि 50% से ज्यादा खत्म हो गया। जो ओजोन लेयर हमारे जो थी, जिसमें के बहुत बड़े बड़े शायद छेद हो गए थे, जो दुनिया में शायद तबाही की वजह भी हो सकती थी आगे, क्योंकि इससे उसका जो गर्मी का जो ट्रेंड चल गया था दुनिया में, तो वो शायद ओजोन लेयर थी जिसकी वजह से डायरेक्ट सूरज की किरणें दुनिया में आ रही थी। आज आज का जो वेदर अगर आप देखें, तो आज के वेदर जी में हाँ जून में हमारे दिल्ली में हमारी बरसात हो रही है जून में, हाँ कभी हाँ कभी नहीं हुई जून में वेदर ऐसे लगा, ऐसा तपता था शायद के आप सोच ही सकते। लेकिन हाँ अल्लाह पाक ने नदियों को साफ कर दिया, हवा साफ हो गई कई सालों के लिए, ये आज हमें मालूम नहीं पड़ेगा इस चीज के लिए, लेकिन हो सकता है कि शायद आने वाली सालों में हमें इस चीज का एहसास होगा कि लॉकडाउन से हमें अल्लाह पाक ने कितनी चीजों से नवाजा है। बिल्कुल, इंसान से इंसान को मोहब्बत करने सिखा दिया लॉकडाउन वाईफाई से, ने। से बहुत सारी चीजें हैं, और अल्लाह पाक के हर चीज में मसलियत है, हम जी चीज याद नहीं हाँ समझ पाते, लेकिन उसकी हर 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 लम्हे में कोई ना कोई मसलियत है, कि जब भी अल्लाह पाक की तरफ से कोई भी चीज हमें अता होती है, तो ये तो सिर्फ अल्लाह पाक ही जानते हैं उसके पीछे हमें क्या चीज मिलने वाली है। हमारी तो क्या नजरें और सोच जो है ना बहुत कम है, बिल्कुल लेकिन सही। उस मौला की सोच बहुत बड़ी है। ये जर्रे को आफ्ताब बना देना, हमारी जो नदियां साफ नहीं हुई थी सालों से, जिन पे करोड़ों रुपए खर्च हो चुका था, और उसका एक एक बाल्टी भी साफ नहीं हो पाई थी, वो आज वो नदियां ऐसी साफ है जैसे आप उसमें अपना चेहरा देख लें। ये कुदरत ने हमें सही। सिखाया कि देखो अगर इंसान इस तरह से करना चाहे तो हो सकता है, ये बिल्कुल सही। तो और बहुत आई बड़ा, होप कि अब बहुत लोग अपनी ये आदतें को जारी रखेंगे, भूलेंगे नहीं। ये तो आप ये मान के चलें कि इंसान जो है ना सेल्फिश बहुत है, और उस सेल्फिश का ही नतीजा ये कि आज दुनिया जो खराब हुई है वो सेल्फिश के वजह से खराब हुई है। हर इंसान को सही। उतना ही अपने पास में, मैंने देखा है कई लोगों को जिनके पास अथाह दौलत है, वो चाहते हैं और दौलत आ जाए। अरे क्या करोगे उसका यार, कहाँ लेके जाओगे? मैंने तो किसी को लिया देखा नहीं। अंबानी साहब भी बिना दौलत के चले गए, बिल्कुल बड़े बड़े सिकंदर चले गए बिना दौलत के, जिसने पूरी दुनिया फतेह कर ली थी, लेकिन बाद में जब उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो उसने ये कहा कि यार ये नहीं, कर जब मैं मर जाऊं तो मेरा हाथ बाहर निकाल देना, ताकि लोगों को मालूम रहे कि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीती लेकिन गया दुनिया से खाली आती है। खाली हाथ। हाँ जी बिल्कुल। क्या है लोगों लोगों को जो कुरान पाक में, स्पेशली कुरान में भी वेदास में भी जितनी भी बड़ी आसमानी किताबें हैं, सब में अल्लाह पाक ने कहीं कहीं हुक्म दिया है कि उतना ही आप अपने पास रखो जितना आपको चाहिए, बाकी सही। आप पर इस पर आपका आपका राइट नहीं, इस पर उन गरीबों का उन मिस्कीनों का राइट है जिनको इसकी जरूरत है। ट्रू। सही। लेकिन लेकिन क्या है, हम उसको नहीं समझते हैं, लेकिन क्या अगर हम उसको समझ लें तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो जो उसका मैथमेटिक्स है कि अल्लाह जी पाक ने कहा कि मेरी राह में अगर तुमने 1 रुपया खर्च किया तो उसके आगे जीरो लगाने की जिम्मेदारी मेरी, कितने जीरो में लगाऊंगा देने के लिए तुम्हारे सही सही बिल्कुल पास। और ये सेल्फिश को यही यही जो आपकी एक लालच है ना उसको खत्म करता है, अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए इंसान के। और सही। दुआ भी अल्लाह पाक से करते हैं कि अल्लाह पाक सभी इंसानों को ये
दे कम से कम के उनको उनके दिलों में से लालच खत्म हो और अपने आप से मोहब्बत करें और अपने सामने वाले से मोहब्बत करें। बिल्कुल ठीक। अच्छा एक फरमाइश जो है बार बार आ रही है, चढ़ता सूरज। बस मैंने कहा आपको बता दूं अगर आप वो जी पूरी कर सकें, वरना फिर आप ही की पसंद की, आप ही की चॉइस की कोई और गजल। चढ़ता जी बताइए। सूरज बार बार फरमाइश आ रही है, चढ़ता नहीं, सूरज। वो तो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि है ना उसके लिए थोड़ा रिदम चाहिए होता है, साथ में बहुत सपोर्टिंग चाहिए होता है कहीं जी तो। तो आप अपनी ही ख्वाहिश से कुछ है जो जी, आप सुना, एक आखिरी जो मैं गजल आप आपको एक जी सुदर्शन फाकरे साहब की नज़्म सुना देता हूँ। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो जबरदस्त, मुझसे मेरी जवानी, मगर बहुत मुझको अच्छा। लौटा। ये इसी तरह से जिस तरह चढ़ता सूरज है। हाँ जी बड़ी, ये भी बड़ी प्यारी, सदाबहार है ये, सदाबहार गजल बिल्कुल। ये चीज जो आपकी फरमाइश थी ये भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मजबूरी क्या है कि जब तक पूरा टूर अभी तक ये छीन के ऑनलाइन हम गा रहे हैं, और जब भी मैं अभी कॉमर्शियल शो करता हूँ तो मेरे साथ में एक वायलिनिस्ट होता है, मेरा साथ में एक रिदमिस्ट होता है सही। साथ में, और एक कीबोर्डिस्ट होता है साथ में। जब कभी भी हम कमर्शियल शो करते हैं तो उनको तो बुला लेता हूँ मैं यहाँ पर, और फिर उसी के साथ करते हैं, थोड़ा सा सपोर्टिंग मिल जाता है क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी हार्ड होती गाने के लिए, तो आप बिना रिदम के बिल्कुल नहीं पॉसिबल नहीं। जैसे ये नज़्म में तो मैं गा सकता हूँ, हाँ दर ये दौलत भी ये शोहरत भी भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझे को लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। फाकिर साहब ने पूरी जिंदगी का निचोड़ जो था बचपन का वो इस बिल्कुल नज़्म में लिख दिया है। बिल्कुल मोहल्ले की सबसे निशानी पुरानी, वो गुड़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी, वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुरियों में सदियों का तेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो छोटी सी रातें वो लंबी कहानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना 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 जाना, कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरों पे बनाना बना के वो मासूम चाहते की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी, न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी,
बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी, ये दौलत भी ले लो ये शोहरत भी ले लो। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और ये बिलाशुबा बहुत अच्छी अख्तितामी गजल है किसी भी महफिल को जो है यादगार बनाने के लिए। बहुत अच्छा। हाँ जी, बताइए, हम जायजा ले चलते हैं या कुछ और? नहीं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। और इतनी सारी प्यारी गजलें, और ना सिर्फ ये उर्दू की तरक्की की बात थी बल्कि ये एक शोरा को खराज तहसीन भी था। आप लोग बहुत बड़े लोग होते हो, बहुत महान लोग होते हैं आप लोग, जो उर्दू को ना सिर्फ परवान चढ़ा रहे हैं लेकिन जो लोग उर्दू के लिए काम कर रहे हैं, उर्दू में शायरी में काम कर रहे हैं, आप लोग उन लोगों को एक लाइव ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। और हर रोज के हिसाब से जब जब आप प्रोग्राम करते हैं, और हर रोज ये एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है, तो उर्दू अगर जिंदा है तो उसमें आप लोग भी शामिल हैं उसको जिंदा रखने के लिए। मैं बिल्कुल ये कहूंगी। नहीं, बहुत बहुत और शुक्रिया। आप भी माशाल्लाह के क्या कि आप थे, आफ्ताब भाई थे, और भी हमारे सुनने वाले थे, कि कुछ अच्छे सुनने वाले हो तो वो शायद, मेरे को लगता है कि चंद ऑडियंस भी लाखों के बराबर होती है। अगर जी बिल्कुल, एक सुनने वाला हो जिसको समझ हो, तो आप ही देखे 2 घंटे निकल चुके हैं, शायद 2 घंटे बीत चुके हैं, जी और बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि शायद चंद चंद लम्हे ही हुए अभी तक शुरू किए हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका मिया जी, जी, और ये शो आप समीरा आपके अजीज सुनने ऑफिशियल वालों। पे यूट्यूब पे जो है वो देख सकेंगे, और फिर ये सोशल मीडिया में तमाम जगह ये शो बूस्ट किया जाएगा, तो नहीं, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ मुलाकात साथ होगी। जो है वो हर जगह आएगा। जब लॉकडाउन खत्म होगा तो हम चाहेंगे कि एक बढ़िया से कॉन्सर्ट करेंगे आपके पास आके, ताकि एक बिल्कुल, यादगार शाम समीर अजीज के नाम। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू वेरी मच। बिल्कुल गुड नाइट, धन्यवाद। शब्बा खैर। जी दोस्तों, तो कैसा लगा आपको जुल्फिकार अली खान साहब से मिलकर? कितनी प्यारी बात उन्होंने की, कितनी पॉजिटिव बात उन्होंने की कि COVID-19 ने हमें मोहब्बत करना सिखा दिया। तो जनाब, ऐसे ही प्यारे प्यारे लोगों से हम आपको मिलवाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपने तो करना है ना हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल आइकन भी दबा देना है जनाब का, समीरा अजीज ऑफिशियल पे। और फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी आपने हमें ढूंढना है, ढूंढना है, सब्सक्राइब करना है। और समीरा डॉट अजीज डॉट मीडिया पर भी, फेसबुक पर हम आपके लिए स्माइल विद समीरा अजीज का शो लाते रहते हैं जनाब। और BGM एंटरटेनमेंट मुंबई इंडिया से बिरेन बगाड़िया, और मयूर गुप्ता, और समीरा अजीज एंटरटेनमेंट से सैद अब्दुल लतीफ। स्माइल विद समीरा अजीज को आप तक पहुंचाने के लिए रहते हैं हर दम कोशां। तो फिर हम दोबारा आएंगे, फिर मिलेंगे आपके लिए किसी नई पर्सनालिटी के साथ। टिल देन, मा सलामा, बाय बाय।